नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को संसद के शीतकालीन सत्र के कामकाज को सुगमतापूर्वक चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जनजातीय समुदायों का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के कारण मलेरिया और हैजा से होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी आई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों को भेजने की बात से इनकार नहीं किया है। और क्रिकेट में भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को एक पारी और 130 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदन के कामकाज को सुगमतापूर्वक चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो भी मुद्दा उठाएगा, कार्य मंत्रणा समिति में विचार विमर्श के बाद उस पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। हम सब मिलकर कोशिश करें कि सदन सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित रूप चले, अच्छी वाद विवाद हो, चर्चा हो, जनता के मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएं और सभी राजनीतिक दलों ने विश्वास दिलाया कि हम सब मिलकर सबकी सहमति से ठीक से चलाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टी आर बालू और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की कल बैठक बुलाई है। सरकार ने भी सत्र से पहले कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ आज शाम होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। शिवसेना के विधायक और विधानसभा में गठबंधन के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन तीन दलों के प्रतिनिधिमंडल को आज शाम 4:30 बजे राज्यपाल से मिलना था, लेकिन बेमौसम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में कई नेताओं के दौरे पर जाने के कारण ये बैठक स्थगित करनी पड़ी। श्री शिंदे ने कहा कि राज्यपाल से मिलने का फिर से समय मांगा जाएगा और उसी के अनुसार बैठक तय की जाएगी। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल की बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आज जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। 2 हेक्टेयर तक खरीफ फसलों के लिए 8,000 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा बागवानी फसलों के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। इस राहत पैकेज के अलावा प्रभावित क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली माफ कर दी जाएगी। जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उनके बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस भी माफ कर दी गई है। यंग इंडिया पर चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में विचार करने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार पर आक्षेप किया है। आयकर अपील अधिकरण ने राहुल गांधी की यह याचिका नामंजूर कर दी थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस पर सच छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड AJL संबंधी मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। आपने तथ्यों को सही नहीं किया, आपने सच्चाई छुपाई। आपने जिस समय 2010 में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किया तो उस समय आपने ये नहीं कहा आपके पास 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मात्र 50 लाख में 90 करोड़ की देनदारी पर आ गई। इस मॉडल की जांच होनी चाहिए। बीजेपी परिवार के इस आचरण की भर्त्सना करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने रफाल सौदे पर मोदी सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने GST फॉर्म और रिटर्न को सरल बनाने के विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य GST फॉर्म को सरल बनाना और इसके भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
उन्होंने अगले वित्त वर्ष से जीएसटी फाइल करने की नई व्यवस्था शुरू करने के बारे में देशव्यापी परामर्श की भी सलाह दी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनजातीय समुदायों का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई उसने हमेशा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य किया। देश का जो फेफड़ा है, जो इस देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है, हमारे जो जंगल है, हमारे जो वन है, वो वनों को संभालने का काम मेरे आदिवासी समाज के भाई और बहन है। करोड़ों आदिवासी भाइयों को, बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 15 दिन के आदि महोत्सव का विषय है जनजातीय संस्कृति, शिल्पकला, खानपान और वाणिज्य की भावना का उत्सव। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्वोत्तर के नागालैंड और सिक्किम तक के प्रमुख आदिवासी शिल्पियों द्वारा तैयार वस्त्र इस समारोह में मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा पहली बार इस आदि महोत्सव में लद्दाख के लेह के आदिवासी कलाकारों द्वारा तैयार उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस महोत्सव में करीब 254 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग्स, कपड़े और आभूषण बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस महोत्सव में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों के 1000 से ज्यादा कलाकारों और शिल्पियों की उपस्थिति मिनी इंडिया का दृश्य प्रस्तुत कर रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 6 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 3 दिन के सम्मेलन का विषय है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में अच्छी और पुनः अपनाने योग्य परिपाटियां तथा नवाचार। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और इससे संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी आई है। पिछले साल मलेरिया के अंदर 50% इंसिडेंस कम हो गया, मोर्टेलिटी 50% कम हो गई। देश ने 10 करोड़ टॉयलेट बना दिए, तो फीमेल्स के लिए हाइजीन को मेंटेन करने की और ज्यादा बेहतर सुविधा हो गई, उसके कारण कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस कम हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी के, चाइल्ड मोर्टेलिटी के, डायरियाज के, ये सारे इंसिडेंस हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। मुंबई ने पानी की गुणवत्ता से संबंधित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में ये सूची जारी की। इस सूची में देश के 20 राज्यों की राजधानियों से नल जल के नमूने लिए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार 2024 तक हर घर में नल जल आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। सब जगह पानी का नल है और ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम इसका सर्वे करवाते हैं पूरा। 100 जो स्मार्ट सिटी है उसका टारगेट हम लोगों ने फिक्स कर दिया है 16-17 जनवरी को उसकी रिपोर्ट देंगे और थर्ड स्टेज में डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, उसको हम लोगों ने 15 अगस्त तक किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पेंशन संबंधी मामले, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लाए जाने की मंजूरी दी है। ये फैसला उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में आज 3 महिलाओं सहित 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये विद्रोही सुरक्षा बलों पर कई हमले करने में कथित रूप से शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता प्रकट की है।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक समारोह में उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक पार्टियां भी अपने समाचार पत्र और चैनल शुरू कर रहे हैं। इनके माध्यम से वे अपने निहित स्वार्थों को साध रहे हैं और पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ समझौता कर रहे हैं। श्री नायडू ने कहा कि समाचारों को सनसनीखेज बनाना, पक्षपातपूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। The cardinal principle of journalism is to present fair, objective, accurate and balanced information to the reader and viewer without journalists assuming the role of the gatekeepers. Information should be pure, should be original and there is a saying that information with confirmation is more than an emanation. इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है। ये इंटरप्रिटेशन में बड़ा गड़बड़ होता है। न्यूज अलग है, व्यूज अलग। व्यूज होने का अधिकार है लेकिन दूसरा व्यू भी होने का आजादी है। लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है। मुझे लगता है कि फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम और वो रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम हमें जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों को भेजने के बाद से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के प्रति गंभीर है तो उसे दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे वांछित आतंकवादियों और अपराधियों को सौंपना होगा। फ्रांस के एक दैनिक को दिए साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही। श्रीलंका में आज हुए राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष महिंदा देशप्रिया ने बताया कि देश में 80% से अधिक मतदान होने की खबर है। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग के प्रमुख के अनुसार आज का चुनाव देश के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण रहा और छिटपुट वारदातों को छोड़कर किसी को कोई नुकसान की खबर नहीं है। अब सबकी नजरें चुनाव नतीजों पर है और वोटों की गिनती का काम जारी है। अंतिम नतीजे कल शाम तक आने की संभावना है लेकिन रुझान कल सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। दोनों प्रमुख उम्मीदवार पूर्व रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे और मंत्री सजित प्रेमदास अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और दोनों के बीच मुकाबला काफी नजदीक है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2019। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की स्वर्ण जयंती इफ्फी एट 50 के बारे में समस्त जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़ें। आइए अब चलते हैं सिनेमा जगत की ओर। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के शुभारंभ में अब केवल 3 दिन बचे हैं। आज हम इस महोत्सव के उस भाग के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे जो पुराने भारतीय श्रेष्ठ सिनेमा से जुड़ी हैं। पेश है इफी डेस्क से ये रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य देश की समृद्ध सिनेमा विरासत को प्रोत्साहन देना और उसे नए दर्शकों तक पहुंचाना है। दर्शकों को अतीत के गौरव से रूबरू कराते हुए शास्त्रीय फिल्मों के पुनर्वलोकन का उद्देश्य भारतीय निर्माताओं की महान फिल्मों का प्रदर्शन है। ऐसी 2 महान फिल्मों का उन्हें संरक्षण जियोफ मार्टिन स्कॉरसेस फिल्म फाउंडेशन ने किया है। एक फिल्म विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की है जिसका नाम है कल्पना, अ फिल्म अबाउट डांस। भारत ने बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 1 पारी और 130 रन के बड़े अंतर से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंदौर में आज बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में महज 213 रन पर सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद के शीतकालीन सत्र के कामकाज को सुगमतापूर्वक चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जनजातीय समुदायों का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी आई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों को भेजने के बाद से इनकार नहीं किया है। और क्रिकेट में भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 1 पारी और 130 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।